बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे यूनिट 16 के एमसीक्यूज। यूनिट 16 का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय अ हॉट मेटल सरफेस इज नोन एज। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है बॉइलिंग, ऑप्शन बी है इवेपोरेशन, ऑप्शन सी है कंडक्शन, नंबर डी है थर्मी आयोनिक एमिशन। बताएं बच्चों कौन सा यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, थर्मी आयोनिक एमिशन। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन डी को। नंबर 2, द पार्टिकल्स इमिटेड फ्रॉम अ हॉट कैथोड सरफेस आर, कौन से पार्टिकल होते हैं बताना है आपने। ऑप्शन ए पॉजिटिव आयंस, ऑप्शन बी है नेगेटिव आयंस, ऑप्शन सी प्रोटॉन्स एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन्स। सोचें और टिक करें राइट आंसर को। यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन्स। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन डी को। नंबर 3, द लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म बाय दिस गेट इज, कौन सा गेट, ये वाला गेट है बताएं आपको कौन सा ऑपरेशन ये गेट करता है, ये कौन सा गेट है। चार ऑप्शन है, आपने चूज करना है राइट आंसर को। ऑप्शन ए एंड गेट, ऑप्शन बी नॉर, ऑप्शन सी नैंड एंड ऑप्शन डी है और। बताएं ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जी बच्चों ये जो, जी बच्चों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नैंड गेट। ये एंड गेट है और उसके आगे एक नॉट गेट लगा दिया गया जिसकी वजह से ये बन गया नैंड गेट। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन सी को। नंबर 4, एंड गेट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग टू, ऑप्शन ए नॉट गेट्स, ऑप्शन बी और गेट, ऑप्शन सी नॉर गेट, ऑप्शन डी है नैंड गेट। बताएं बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नैंड गेट। सो हम चूज करेंगे ऑप्शन डी को। इसका मतलब यह है दो नैंड गेट को अगर हम मिला दें तो क्या बन जाएगा, एंड गेट बन जाएगा। नंबर 5, द आउटपुट ऑफ अ टू इनपुट नॉर गेट इज 1 व्हेन। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है एज 1 एंड बी 0, ऑप्शन बी है ए 0 बी 1, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी आर 0 एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी आर 1। जी बच्चों बताएं यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन को चूज करेंगे। चले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक नॉर गेट है आपके पास, उसकी इक्वेशन आ गई आपके पास, ये नॉर गेट है आपके पास। 1 कब होगा आउटपुट पर, जब दोनों हम 0 पुट करेंगे, ऊपर बार है ये 0 0 प्लस 0 हो जाएगा ऊपर बार, जब 0 के ऊपर बार होगा तो क्या होगा वो 1 होगा। इसका मतलब दोनों की इनपुट 0 होंगी तब जाके उसकी आउटपुट 1 होगी। तो देखें बच्चों ये कहाँ पर है, दोनों 0 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। सो हम चूज़ करेंगे ऑप्शन सी को। नंबर 6, इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी देन एक्स इज 1 When, ये भी पहले की तरह का एक MCQ है। एक ऑपरेशन बता दिया गया है, आउटपुट 1 आनी चाहिए, कब 1 आएगी, इनपुट क्या होंगी। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए ए एंड बी आर 1, ऑप्शन बी ए और बी इज 0, ऑप्शन सी ए इज 0 बी इज 1, ऑप्शन डी ए इज 1 एंड बी इज 0। चले बच्चों इस ऑपरेशन को समझते हैं इक्वेशन की मदद से। x इज इक्वल टू ए डॉट बी, अच्छा हमने पुट किया यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 1 दा कितना होता है, 1 होता है। अगर 1 के साथ 0 लगा देंगे 1 0 दा 0 हो जाएगा, या दोनों 0 होंगे फिर भी आंसर 0 आएगा। 1 कब आ रहा है, जब दोनों 1 है। दोनों 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में हमारे पास ए एंड बी आर 1। अगर ये दोनों 1 1 होंगे तभी जाके एक्स की वैल्यू 1 आएगी। सो हम चूज़ करेंगे ऑप्शन ए को, क्योंकि यही है हमारा राइट आंसर। नंबर 7, द आउटपुट ऑफ अ नैंड गेट इज 0 व्हेन, बताएं 0 कब होगी आउटपुट पर, कौन से गेट के आउटपुट पर, नैंड गेट के आउटपुट पर। चार ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर 0, बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर 1 एंड ऑप्शन सी है एनी ऑफ इट्स इनपुट इज 0, ऑप्शन डी है एनी ऑफ इट्स इनपुट इज 1। चलें इसको भी हम समझ लेते हैं। ये देखें नैंड गेट की इक्वेशन आ गई यहाँ पर, x इज इक्वल टू ए डॉट बी के ऊपर बार है, यहाँ अगर हम दोनों को 1 1 पुट कर देते हैं, 1 1 पुट किया, 1 आ गया, 1 के ऊपर बार आ गया, 1 के ऊपर बार आ गया, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा।
ज़ीरो कब हुआ ज़ीरो, जब दोनों हमारे पास वन थी, ठीक है ना। अगर इनमें से एक भी ज़ीरो होगा तो ये यहाँ पे ज़ीरो आएगा और यहाँ पर वन आ जाएगा। हमें ज़ीरो चाहिए, ज़ीरो लाने के लिए हमें दोनों इनपुट पर वन रखना है। तो दोनों इनपुट पर वन कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है? नहीं, ऑप्शन बी में है। बोथ ऑफ इट्स इनपुट आर वन, जी हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो हम चूज़ करेंगे ऑप्शन बी को। तो बच्चों ये थी आज की छोटी सी क्लास, आपने रखना है अपना बहुत सा ख्याल और करनी है बहुत सारी स्टडी। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।